झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष शिबू सोरेन और उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। आपको बता दें कि लोकपाल ने सीबीआई को 6 माह से जांच पूरी करने को कहा है। लोकपाल के आदेश पर जेएमएम ने कहा कि उनकी जो संपत्ति है वो पब्लिक डोमेन में है। वहीं बीजेपी ने कहा कि सोरेन परिवार की संपत्ति की जाँच होगी तो सब कुछ सामने आ जाएगा। देखिए, वो राजनीतिक तरीके से परास्त नहीं कर पाते हैं तो इस तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। जिन संपत्तियों का जिक्र, कौन सी संपत्ति है, किसका जिक्र है, वो तो जिन्होंने शिकायत की है वही जाने बेहतर तरीके से। और जो भी संपत्ति का जिक्र है या जो संपत्ति है वो सब पब्लिक डोमेन में है। सभी एफिडेविट जो चुनाव के वक्त दिए जाते हैं उन एफिडेविटों में सारी संपत्तियों का जिक्र होता है। और अब जो एजेंसियां जिस तरह से कवायद कर रही हैं इस सरकार में, इस तानाशाही सरकार में, तो कुछ भी नया फैब्रिकेट किया जा सकता है, गलत तरीके से आरोप लगाए जा सकते हैं, लेकिन अंततः न्यायपालिका पर हम लोगों को भरोसा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोकपाल के द्वारा शिबू सोरेन और उनके परिजनों के बेनामी संपत्ति के जांच के आदेश का स्वागत करती है और हमारा मानना है कि ये नरेंद्र मोदी जी का न्यू इंडिया है। आप भ्रष्टाचार करके बड़े पदों पर रहकर भी नहीं बच सकते। और लोकपाल ने तो अपने निर्देश में यह भी कहा है, आदेश में, कि जो प्रारंभिक सबूत सीबीआई ने इकट्ठे किए वो काफी हैं एक विस्तृत जांच के आदेश देने के लिए। और लोकपाल ने यह भी कहा है कि इस केस की प्रगति को लोकपाल समय समय पर मॉनिटर करती रहेगी। तो हमारा मानना है कि अब शिबू सोरेन परिवार ने जो अकूत और अथाह संपत्ति, 108 संपत्तियों का हलफनामा जो उन्होंने दिया था, इसके अतिरिक्त भी कई 100 संपत्तियां इनके होने की आशंका है, तो उन सारी संपत्तियों की अब जांच सीबीआई करेगी। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए ये एक बड़ा झटका है। इन्होंने बड़ा बड़ा भ्रष्टाचार किया था, लेकिन कहते हैं ना, लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।